तो यार अब कैसे हो? लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो ना जो मूवीज को लेके बहुत ज्यादा क्रेजी है, और उसमें से भी अगर सुपर हीरो मूवीज उसको अति ज्यादा पसंद है ना, तो फिर जो भी आपके क्या थॉट्स है वो जानने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे। ये वाला पोल डाला था कि जब मैं एक वर्ड बोलता हूँ जोकर, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? हीथ लेजर का डार्क नाइट वाला जोकर, वॉकिंग फिनिक्स का जोकर, कॉमिक बुक के अंदर जहाँ पे जोकर की शुरुआत हुई थी वो ओरिजिनल वाला जोकर, या फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो मैंने इसे ट्रोल करने के लिए डाल दिया कि अक्षय कुमार का जोकर, और कुछ ना एक लोगों ने वो वोट किया है। तो लेकिन देखो, अगर आप उन लोगों में से होना जिसने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी अभी तक नहीं देखी, देखना तो छोड़ दो। अगर आपको उसके बारे में पता भी नहीं, आपने कभी सुना भी नहीं कि वो चीज क्या है, फिर भी आपने इनका फोटो तो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। और जो यहाँ पे अल्ट्रा कॉमन लोग हैं ना, जिनको मूवीज के बारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोबेबली ये वीडियो भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी अगर उनके सामने आप ये फोटो डाल दोगे ना, तो उनको पता है कि हाँ भैया ये जोकर है। द डार्क नाइट, अब ये जो है ना पहली ऐसी बैटमैन की लाइव एक्शन मूवी थी जिसके नाम में बैटमैन नहीं था। और अगर आप इस मूवी के विकिपीडिया पेज पे जाकर देखोगे ना, तो फिर वहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है कि ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ दैट डेकेड है, और उसी के साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज एवर मेड। 8 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे उसको, और उसमें से उसने 2 जीते। पहला था बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए, और दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर हीथ लेजर। लेकिन ना यहाँ पे ट्रेजेडी की बात ये हुई कि मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद, लेकिन रिलीज से पहले जो जोकर कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है हीथ लेजर, वो उनकी डेथ हो गई। हाँ, जो एक्टर ने इतना इतना जबरदस्त काम किया उस रोल के लिए, उनको खुद का ऑस्कर लेने के लिए भी नसीब में नहीं था। लेकिन क्या आप लोगों को एक बात पता है कि जब ये चीज अनाउंस की गई थी ना कि हीथ लेजर जो है वो जोकर का रोल प्ले करने वाले इस मूवी में, तो लोगों ने तो बवाल मचा दिया था। मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उस टाइम के इंटरनेट पे आप जो कुछ भी रिएक्शंस ढूंढ पाओगे ना, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे नेगेटिव थे, क्योंकि हीथ लेजर जो पर्सन थे ना वो ऐसे दिखते थे। लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था कि ये बहुत ज्यादा यंग दिखते हैं, बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हैं जोकर का रोल प्ले करने के लिए। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा था कि वर्स्ट कास्टिंग ऑफ ऑल टाइम है, मतलब इससे बुरा कास्टिंग आज तक किसी कैरेक्टर के लिए किया ही नहीं गया। और अगर आप सोचने जाओगे तो फिर यहाँ पे वो चीज और ज्यादा हिट करती है कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो दे दिया, लेकिन वो खुद नहीं देख पाए कि लोगों को कैसा लगा। क्योंकि जब तक हीथ लेजर जिंदा थे तब तक तो लोगों का रिएक्शन नेगेटिव ही था उनको लेकर, क्योंकि मूवी रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद हुआ क्या, लोग कितना ज्यादा एडमायर करते हैं उनके परफॉर्मेंस को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से ना हमको एक सीख ये जरूर मिलती है कि इंटरनेट पे जो भी लोग बोलते हैं ना, उस पर जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं खुद इंटरनेट का पार्ट हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया इंटरनेट का ओपिनियन फ्लो में मत बह जाना कभी। इस वीडियो में अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, ठीक उसी तरह जब भी हम लोग बात निकालते हैं द डार्क नाइट फिल्म की, तो फिर लोग यही मेजोरिटी बोलते हैं कि यार जोकर का परफॉर्मेंस बहुत सही था, जोकर वो जबरदस्त, मुझे जोकर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, हीथ लेजर का परफॉर्मेंस फैंटास्टिक था। लेकिन है ना, फिर शायद ये लोग एक बात भूल जाते हैं कि मूवी के अंदर बैटमैन का कैरेक्टर भी था, और इन दोनों के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हार्वी डेंट का, क्योंकि उनको जो है वो एक स्टोरी आर्क मिला हुआ है उनके कैरेक्टर को। इनको लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने रीड की इंटरनेट पे कि मूवी का टाइटल है द डार्क नाइट, ये आप समझ सकते हो कि बैटमैन के ऊपर है, लेकिन ये इनके बारे में भी है क्योंकि ये व्हाइट नाइट थे, और मूवी के अंदर इनका कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो समझ रहे हो ना, मूवी के अंदर जोकर का कैरेक्टर एक डायलॉग मारता है कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन अनमूवेबल ऑब्जेक्ट। डायलॉग का मतलब क्या है? डायलॉग का मतलब ये है कि जोकर जो है वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, आप कुछ भी कर लो वो रुकेगा नहीं, और द डार्क नाइट अपना बैटमैन जो है वो एक अनमूवेबल ऑब्जेक्ट है। बैटमैन जो है वो गॉथम को क्राइम फ्री करना चाहता है, वो उसके लिए कुछ भी करेगा लेकिन किसी का खून नहीं करेगा, ये उसका एक इकलौता रूल है कि वो किसी भी इंसान का जान नहीं लेगा। लेकिन जो दूसरी तरफ जोकर भाई साहब है, उनको लोगों की मोरालिटी के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो फिर मूवी के अंदर उनका एक ही गोल है कि बैटमैन जो है वो अपना रूल तोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए बैटमैन अपना रूल तोड़ के रहेगा। लेकिन बैटमैन ने कसम खाई है कि वो कभी किसी इंसान को नहीं मारेगा। इसलिए मूवी के अंदर ना वो एक सिचुएशन आता है जहाँ पे जोकर बोलता है कि कम ऑन हिट मी हिट मी, वो चाहता है कि बैटमैन उसको मारे, बैटमैन उसकी जान ले ले, लेकिन बैटमैन नहीं करेगा। अनस्टॉपेबल फोर्स अनमूवेबल ऑब्जेक्ट, इस चीज के कारण मूवी के अंदर का जो हीरो और विलन है ना, उनके बीच में एक बहुत ही अजीब सा रिलेशन बन जाता है कि भैया जोकर खुद एडमिट करता है ना कि आई डोंट वांट टू किल यू, जो इतना बैड पर्सन है दिखाया गया मूवी के अंदर, वो हीरो को मारना ही नहीं चाहता, व्हाट विल आई डू विदाउट यू। और अगर आप इस बारे में सोचने जाओगे ना, तो फिर जोकर
जिसके पास चांसेस थे वो बैटमैन को मार सकता था अगर वो चाहता तो, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता भैया। उसको लोगों को मारने से ज्यादा लोगों की मोरालिटी के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है, और जब मोरालिटी बैटमैन जैसे पर्सन की हो तो भैया तो वो तो खेलेगा। यही जो चीज है ना वो मूवी के विलन जोकर के ओवरऑल कैरेक्टर थीम में भी दिखाई देती है कि वो जो है वो दुनिया को खत्म नहीं करना चाहता, वो आधे यूनिवर्स को मारना नहीं चाहता, वो सिर्फ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाना चाहता है। वीडियो अगर पसंद आया तो फिर उसको एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वीडियोस में फ्यूचर में लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।